गाइस वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल मिस्टर बग्गा और मैं हूं सुमित। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज गाइस मैंने बनाई है लस्सी, जो कि बहुत ही ज्यादा कोई न्यू कोई रेसिपी कोई नहीं होगी आप लोगों के लिए, आई नो, बट मैंने एकदम पंजाबी स्टाइल में बनाई है, बोल स्टाइल में बनाई है, जो कि मेरे घर पे हमेशा बनती है। जैसे कि मेरी मम्मी बनाती है, मेरी मम्मी को मेरी दादी ने सिखाई थी, शायद नानी ने सिखाई थी, बट जो भी है बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनती है। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं हमने लस्सी कैसे बनाई है। पंजाबी लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए 600 ग्राम दही और हमें चाहिए 7 से 8 बड़े चम्मच पाउडर शुगर के और हमें ऐसे मधानी चाहिए, मधानी यानी कि हैंड बीटर, वुडन हैंड बीटर, और एक ऐसा आप ये ले ले, ऐसा कोई लंबा सा कोई बर्तन आप ले ले, यानी तो आप मटका भी ले सकते हैं। ये मेरे घर पे बनी हुई दही है जो कि एकदम पनीर के जैसी लगती है। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कमेंट बॉक्स में तो मैं इसकी भी रेसिपी आपको दे दूंगा। इसमें से मैं निकाल रहा हूँ लगभग 600 ग्राम, ये पूरी 1 किलो थी। अब इसमें हमने डालना आइस क्यूब, अपनी पाउडर शुगर जो कि 7 से 8 बड़े चम्मच है। अब हमने इसे हैंड बीटर, जो कि वुडन हैंड बीटर है, इसकी हेल्प से अब हमने इसे अच्छे से ऐसे ऐसे चला देना है। कितने मिनट? लगभग 3 मिनट आराम से लगते हैं। ये देखिए मैंने इसे इतना चला दिया कि इसकी बर्फ भी अब बहुत छोटी छोटी हो गई है, यानी कि बन चुकी है। और ये दोनों ही चीज़ें ठंडी थी, बर्फ तो हो गई ठंडी, दही भी ठंडी थी। चलिए अब मैं इसे डाल रहा हूँ, ये 3 ग्लास ये मैंने बनाई है क्योंकि मेरे घर पे अभी फ़िलहाल 3 मेंबर हैं। तो अब मैं इसके अंदर में डाल रहा हूँ दही के ऊपर वाली मलाई, क्योंकि ये पंजाबी लस्सी है, होनी चाहिए ना मलाई। गाइस वो आप लोग देख चुके हैं कि हमने लस्सी बनाई है, अब आपने सीख भी ली है, तो आप भी इसे अपने घर पे जरूर बनाएं और जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पे आप मेरे को अपने पिक्स वगैरह भेजें ताकि उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा सकूं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में, बस यही है। और गाइस लाइक से कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है। बाकी बहुत सी न्यू रेसिपीज यहाँ पे आती रहती है, एक बार अपडेट रहा करो कौन कौन सी आ रही है कौन कौन सी नहीं। बाकी अब तो आपके ऊपर में है करना ना करना। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय।